Today we're celebrating Dev Anand ji's life, and of course, without any further ado, I'm throwing it over to Raja Kashif, who will sing Dev Anand ji's favorite song. बहुत सारे फेवरेट थे लेकिन एक हो तो तब बात हो सारा टाइम नहीं लूंगा आपकी नजर सबकी नजर किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई मिलो है खामोशी बरसों है तन्हाई भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी फिर किसकी याद आई ओ किसका रास्ता देखे ए दिल ले सौदाई वाह वंडरफुल क्या बात देव साहब की याद आ जाए लेकिन सैड नहीं रखना अच्छा तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है गाना बजाना हाँ नहीं नहीं जीवन पे मेरे सदा तेरा इख्तियार था तेरा इख्तियार था आज भी है और कल भी रहेगा परसों भी रह सकता है नहीं और परसों भी रहेगा हम अक्सर लाइव में ऐसे महफिल जमा दी महफिल जमा दी हमारी महफिल में जुड़ रहे हैं बॉबी जो देव आनंद जी के बहुत बड़े फैन हैं बॉबी वेलकम टू द शो और अच्छा है कि आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बताइए अपनी फेवरेट देव आनंद जी मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें तो अरे मैं सबसे बिगेस्ट फैन देव आनंद का इस दुनिया में मैं हूँ मेरी बहुत खुशनसीबी है कि 1997 में उनके साथ सारे 3 घंटे बिताने का मौका मिला तो यहाँ पे आए थे लंदन में अपनी न्यू फिल्म एट दैट टाइम मैं 16 बरस की उसका प्रीमियर के लिए ये मैं 16 बरस की बंदर था और आप यकीन करें कि इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज उस जमाने में आई वॉज 1997 and he was in his 70s and believe me Dev Anand Saab was a much younger character at heart than even myself yes and that incident will remain with me aur main unse baat ki unse bahut kuch seekhne ka mauka mila aur main to yehi keh sakta hu ki dekhiye aise log marte nahi hote wo hamare dilo dimag mein aur zehen mein rehte hain Bobby ji ye prince charles theater mein tha na jab tak suraj chand rahega aur jab tak hindi film हिंदी सिनेमा रहेगा देव साहब रहेंगे नाम स्वरम अक्षरों में लिखा जाएगा एब्सोल्युटली एक छोटा सा गाना चाहता हूँ कि तेरे मेरे सपने बस एक रंग है दो जहां भी ले जाए हम ये होते हैं ये है बॉबी जी का भी करिश्मा मतलब दिस इज अमेजिंग कि और क्या कनेक्शन है कि बॉबी भी वहीं पे पहुंच गए थे जहां आप थे देखिए ये मैं 16 बरस की प्रीमियर जो हुआ था वो प्रिंस चार्ल्स थिएटर में हुआ था लेस्टर स्क्वायर और इसकी पूरी पिक्चर जो थी शूट हुई थी वो पूरी मैंने और देव साहब ने पहले लोकेशन हंट की थी पूरे स्कॉटलैंड में इसकी शूटिंग पूरे हाईलैंड्स में हुई थी और दो लड़कियां जो नई इंट्रोड्यूस करवाई थी एक नीरू बाजवा जो अभी पंजाबी फिल्मों में आती है स्टार बन गई अभी तो और एक सबरीना थी वो अटलांटा से आई थी और नीरू वैंकूवर से आई थी सबने कहा कि नए लोगों को लॉन्च देव आनंद जी से मुझे गिनवाइए किन किन को लॉन्च किया है बिकॉज बहुत से लोग जो जानते नहीं है कि जैकी श्रॉफ जीना दोमोन टीना मुनीम कबीर बेदी साहब शबाना आजमी शेखर हाँ पहली फिल्म इश्क 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 शेखर कपूर उनके भतीजे हैं वो तो लिस्ट इज एंडलेस शुरू शुरू का मिथुन चक्रवर्ती साहब इज वेल शत्रुघ्न एक क्लिपिंग में आए थे अमरीशपुरी सब सेम सेम फिल्म में ओनली वन सीन इन प्रेम पुजारी Can you imagine? He could. He had the parak to know कि कौन इंसान सिर्फ ये बात नहीं है he even till the last minute he was wanting to take risks on others yes that's a very rare take a chance on aajkal nahi karte subhash ghai sahab used to do that he didn't work with all stars naye stars ke sath acha maine ek baar pucha tha usse maine kaha dev saab aap naye ladke ladkiyon ko lete ho itna risk lete ho aur log baatein karte hain industry mein ki dev saab paisa kahan se laate hain naye ladkiyon ladkiyon pe risk lete hain to bole kya hai maine yahan se paisa banaya hai yahan pe lagaunga aur naye ladke ladkiyon ko agar main hi kaam dunga to kaun dega
स्टार कैसे बने विजय भाई? वो कौन सी फिल्म थी? एक फिल्म थी जिसमें सलमान खान साहब ने डन कैमियो, वो शायद आप थे एक्टिंग में, उनके अदनान सामी का गाना था, अदनान भाई का गाना था, एंड देन गोविंदा ने भी एक गेस्ट अपीयरेंस की थी, वो तो सेंसर में था, लेकिन एंड सेंसर में द ब्यूटी अबाउट सेंसर फिल्म वाज उसकी क्रेडिट्स कभी पढ़िएगा ओपनिंग, आदमी गिर के परेशान हो जाएगा कि यार इतने एक्टर्स, रेखा जी, इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राज बब्बर, अनवर रानी, यू नेम इट, इट्स जस्ट अमेजिंग। दिल का भंवर करे पुकार, कि बस देवानंद जी की बात होती रहे, तो ये गाना जरा हम सुनते हैं एंड वी विल कम बैक एंड वी विल हियर अमेजिंग ट्रिविया अबाउट देव जी। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है, आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है, दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तो ये जो हमने अभी गाना सुना दिल का भंवर करे पुकार, इसके बारे में भी इतनी ट्रिविया है, और एक और जो आप मुझे बात बता रहे थे वो जरा बताइए प्लीज। मेरे सामने की बात है, जय भाद्री जी एंड टीना मुनीम यहाँ पे जब रोमांसिंग विद लाइफ जो उनकी किताब लॉन्च हुई थी, तो उसमें आई वाज देयर एंड जय भाद्री जी ने बहुत प्यार और अदब से कहा कि देव साहब थैंक यू फॉर लीविंग जंजीर, गिविंग हिम द क्रेडिट कि जंजीर, एक्चुअली जंजीर वो आई थिंक प्रकाश मेहरा, प्रकाश मेहरा उनके पास गए थे, पिक्चर में गाना नहीं था, देव साहब की तरफ से आया, देव साहब की आखिरी फिल्म का म्यूजिक कर रहा था, खैर इट वाज इन द लास्ट फिल्म एट दैट टाइम, बट उन्होंने मुझसे कहा, कहते यार देव साहब आई ओ एम बिग क्रेडिट, मैं क्यों, कहते हैं कि तुमसा नहीं देखा, ही हैड लेफ्ट एंड वो आई डोंट नो कि वो रीज़न क्या थी, लेकिन तुमसा नहीं देखा के बाद इवन गोल्डी साहब की डायरेक्शन पे द फिल्म तीसरी मंजिल बहुत हिट हुई थी, वो भी छोड़ी थी, वो भी देव साहब के लिए फिल्म थी, लेकिन एक जो है हमारे साथ प्रमोद वो नहीं छोड़ रहे हैं, वो कॉल पे हमारे साथ हैं, वो कॉल लाइन नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज ही इज आल्सो ह्यूज देवानंद फैन ऑफ कोर्स। वेलकम टू द शो प्रमोद, और आप अपनी फेवरेट मेमोरी ऑफ देव साहब हमारे साथ बिल्कुल शेयर करिए। अच्छा जी, अपना दिल क्या बात न जाने किस पे आएगा, बस इतना ही, अरे और गाइए, और गाइए ना, अभी इतना अच्छा खूबसूरत गाना था जो हियर, मैं देवानंद की शो आप लोग का इंटरव्यू देख रहा, दिल को आएगा, पीसेस भी खूबसूरत, थैंक यू सो मच प्रमोद, मुझे लग रहा है कि देव साहब जी इतने खुश हो रहे होंगे इस वक्त, एब्सोल्युटली, जहां पे भी इस तरह से प्रमोद ने गाया है, एब्सोल्युटली, आई फील हिज प्रेजेंस हियर एक्चुअली, यू नो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट देव साहब मेरे को लगता है कि इधर, और देव साहब के वजह से हमारी फोन लाइंस पे बार-बार फोन, हां बताइए कुछ, मैं सॉरी भाई फंस गया हूं इनकी आंखों में,
देव साहब का गाना इनकी नजर करना आपके व्हाई आर यू हां करिए करिए एक्टिंग आप करेंगे ये इधर से आएगा और आप चले जाएंगे व्हाई आपके बिल्कुल तैयार हूं नजरों से कितने तीर चले हो चलने दो जिगर पर झेलेंगे इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है जिया हो जिया जिया कुछ बोल दो अरे हो दिल का पर्दा खोल दो माइक आप क्या हाँ अब जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है तुम एक हसीन हो लाखों में भला पाके तुम्हें कोई क्या मैं कुछ बोलना चाहती हूँ क्या बोलिए 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 जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि अभी ना जाओ छोड़ के क्योंकि दो मिनट बाकी है हमारे पास पहले जो हमने शुरुआत की थी ये बहुत ही किताब पढ़िए देव साहब इस किताब में आपकी फेवरेट ट्रिविया बताइए बहुत है इसमें इस किताब में मेरी जर्नी है देव साहब के साथ और मैं चाहूंगा कि जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं टू बी वेरी फ्रैंक उनको ये मोटिवेट करेगी ये किताब इसमें पूरा स्ट्रगल भी है काम भी है और मैं वेरी प्रिविलेज था देव साहब के साथ कि मैंने तीन फॉर्मेट में काम किया उनके साथ टीवी में रेडियो में और फिल्म्स में और चौथा पब्लिकेशंस में तो आई थिंक इसमें इतने सीक्रेट हैं बहुत उनकी बातें हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत उनके ऐसे किस्से हैं जो मेरे ख्याल जो पिक्चरों में देखे आपने वो नहीं है बिल्कुल तो अलग ही आपको इसमें जैसे बॉबी हैं प्रभात हैं इतने सारे जो फैंस हैं प्रमोद जो फैंस हैं आई एम श्योर फॉर देम उन सबके लिए ये और ये अमेज़न पे अवेलेबल है अमेज़न वर्ल्ड वाइड जी तो अब हम जाने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि हमारा जो ये कंपटीशन चल रहा है जो है आराम से जी टीवी देखो कॉन्टेस्ट आराम से जी टीवी पे आप देवानंद जी की फिल्में भी देख सकते हैं जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो लेदर सोफा वर्ल्ड की तरफ से है तो अगर आप फटाफट हमारे लिए एक विनर चुन लें ओके आप चुन लीजिए और जो जो ये सफेद वालों पे ये इस पे जरा जोर दीजिएगा क्योंकि वो वाले हाँ इस पे लेते हैं विनर का अनाउंसमेंट मैं कहूँ हाँ बोल दीजिए पहला नाम मेरा चलिए ठीक है गौतम प्रभाकर well done, लेदर सोफा वर्ल्ड की तरफ से आपको मिलेगा एक बहुत ही शानदार सोफा एंड थैंक यू सो मच आप दोनों हमारे शो पे आए और देवानंद जी को हम अमर रखें उनके उनके यू नो गानों के जरिए उनकी फिल्मों के जरिए एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल ऑफ यू ऑल वो क्या गाना है उनकी लाइन का उनकी फेवरेट लाइन कोई गानों की मुझे तो एक ही गाना भी याद आ रहा है तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी तो जुदाई तो बिल्कुल नहीं मांगी है बस कुछ क्षणों की जुदाई है डू कीप वॉचिंग जी टीवी दिस इज मी गरिमा कुमार साइनिंग ऑफ आई हैव टू लाइक रियली कट इट बिकॉज़